हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाले माननीय मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर पेमेंट कर चुके हैं बट सक्सेसफुल नहीं हुआ और वहाँ पे रिसिप्ट नहीं आई है, या फिर उनको आपको कैसे पता चले कि पेमेंट आपका सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ है, और फिर आप अपने स्टेटस कैसे देख सकते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड में कोई प्रॉब्लम आ रही तब भी मैं दोनों वीडियो, यानी आपको डॉक्यूमेंट से कोई भी इशू है या फिर आपको पेमेंट से कोई इशू है तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपको क्या करना है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है और या फिर आपका पेमेंट कर चुके हैं, आपके अकाउंट से पैसा कट गया है बट आपका स्टेटस अभी तक सक्सेस नहीं दिखा रहा है, या फिर आपका स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, या फिर आप पेमेंट कर नहीं पा रहे, आपका ऑप्शन आ नहीं रहा, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं आप पेमेंट का मेथड आपको तरीका यहाँ से दिखाता हूँ, उससे पहले मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। चलिए मैं आपको बता दूं पेमेंट करने के लिए क्या करना है। आप वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो पूरी देखते हैं, उसके बाद पूछते हैं सर कैसे करना है और क्या करना है। आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपका पेमेंट हो सकता है फेल भी हो जाए या फिर आपको फॉर्म में रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखें सावधानीपूर्वक, पूरा वीडियो स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको जाना है डैशबोर्ड, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। यहाँ से आपकी दो फी पेमेंट रिसिप्ट होगी, एक तो जो आपने फॉर्म का फीस पेमेंट दिया वो, और दूसरा जो आपने एडमिशन की फीस पेमेंट दी है वो। यहाँ से एडमिशन वाली है, फॉर्म वाली है, तो यहाँ हमें एडमिशन वाली देखनी है। हम एडमिशन वाली फीस पेमेंट पर रिसिप्ट जो दिख रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे, यहीं से आपके सामने पे एक ऑप्शन आएगा जहां से ये दिख रहा है। मैं आपको बैक करके दिखाता हूं, ये देखिए जहां से ये दिख रहा है आपको एडमिशन फीस पेमेंट रिसिप्ट, यहां मैंने पे कर दिया इसलिए मेरा इस तरीके से आ रहा है। अगर आपने अभी तक पे नहीं किया तो फिर आपका कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से पेमेंट करने को बोलेगा, तो यहां से आपको क्या करना है, पे करना है, यहां से आपको पेमेंट अपना करना है। लेकिन मैं कर चुका हूं इसलिए मेरा इस तरीके से आ रहा है, तो मैं यहां से व्यू पेमेंट रिसिप्ट मैं यहां से क्लिक करके देख सकता हूं। यहां से मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरा पेमेंट रिसिप्ट अभी जो है आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए मेरा पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए सक्सेस, मेरा यहाँ से स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। अगर आपका यहाँ पे स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है तो आपका हो गया है। यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस पेमेंट सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर यहाँ से आपका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको क्या करना है मैं अभी बताऊँगा, या फिर आप अभी नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं दिखा रहा या फिर आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अगर पेमेंट कर दिए हैं तो आपको कम से कम 48 घंटा वेट कर लेना है, क्योंकि 48 घंटे में आपका पेमेंट जो पेंडिंग दिखाता है सक्सेस हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा था लेकिन 48 घंटे का उसमें दिया जाता है कि क्योंकि सर्वर ब्राउजर पे अपलोड करने में कभी कभी टाइम लग जाता है, कभी कभी तुरंत हो जाता है, तो आप 48 घंटा वेट कर लीजिए। लेकिन आप, मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगा कि वेट कर लीजिए, वेट तो करना ही करना है। उसके साथ साथ में आपको एक सॉल्यूशन और है कि आपको जो मानू की वेबसाइट है मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी की, उस पर आपको मेल कर देना। दो वेबसाइट है, तो मैं वेबसाइट जो है इसके पहले वीडियो से बता चुका हूँ। अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, मैं वेबसाइट बता दूंगा किस वेबसाइट पर मेल करना है। उसके पहले मैं बता चुका हूँ एडमिशन से रेगुलर करके है, उसके अलावा रेगुलर एडमिशन @maru.ac.in, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कमेंट करके पूछेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूंगा, अगर आपका मेल आईडी जो आपने जो डाली है या फिर मोबाइल नंबर आपने जो डाला अपने फॉर्म में, आप अपना मोबाइल नंबर ऑन करके रखिए, उसी पर मैसेज आता है। अगर आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है तो उस पर क्या आएगा, मैसेज आएगा मोबाइल नंबर पर, और फिर आपका जो मेल आईडी डाले, आप मेल आईडी रोजाना चेक किया करें, उस पर मेल आती है। अगर आपका पेमेंट सक्सेस होगा वहाँ पर मेल आ जाएगा और वहाँ से पेमेंट आपकी आईडी आ जाएगी, और फिर पेमेंट आईडी से अपनी पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने बताया है यहाँ पे क्लिक करके भी अपनी पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं और स्टेटस वहाँ से देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपको डाउनलोड करने के बाद आपको जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर आपको लगेगा, तो आपको पेमेंट रिसिप्ट वहाँ पर देना होगा। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर आपका पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई पेंडिंग दिखा रहा, नहीं हो पा रहा, या फिर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो आपको क्या करना है, आप जो को मेल करना है, मेल करने में आपको पूरा नाम वगैरह लिखना है। मेरी वीडियोस आप देख लीजिए कि मैं उसमें बताया है क्या करना है, क्योंकि उसमें आपको पहला नाम लिखना है, फिर अपने शनाफ लिखना है, फिर आपका कौन सा कोर्स है ये लिखना है, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मैं बता रहा हूँ सावधानीपूर्वक नहीं सुनेंगे तो आपका पेंडिंग का पेंडिंग पड़ा रह जाएगा। आपका नाम, आपका कोर्स कौन सा है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये 4 चीज लिखना है। उसके बाद आपको मेल कर देना, और जो फीस पेमेंट का जो दिखा रहा है आपका, जिस तरीके से दिखा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप डाउनलोड करना, उसका वहाँ पे अटैच करना है, यानी उसके मेल के साथ में ये भी अटैच करके भेजना है दोनों साथ में, मानू को, मानू यूनिवर्सिटी उसको।
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आ रहा है, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से आपको फिर दोबारा डैशबोर्ड पे जाना है, जो इस पर क्लिक करना है, जो है तीन चार लाइन दिख रही है। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है तो फिर यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आएगा, लेकिन मैंने अपलोड कर दिया हूँ इसलिए मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको बता दूँ उसको यहीं से आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहीं से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्या क्या कंपलसरी बता देता हूँ आपको, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और फिर आपका जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन में लिया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया तो आपका जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट है वो हाई स्कूल इंटर और उर्दू का एक सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल के अलावा ओबीसी एससी एसटी के हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट, और फिर उसके अलावा अगर आपको माइग्रेशन, तो ये सब सारी चीज़ें लगेंगी, लेकिन उसमें उर्दू का हाई स्कूल इंटर का और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी है। बाकी सारे जो सर्टिफिकेट है बाद में दे सकते हैं, लेकिन ये तीन डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल इंटर और फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और एक उर्दू का कोई सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है तो आप जो है मानू को ज़रूर मेल करना है। किस पे मेल करना है मैं वीडियोस बना चुका हूँ, देख लीजिएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा अगर आपको नहीं मिल पाती तो आप मुझसे कमेंट करना, मैं आपको मेल आई डी कमेंट में दे दूँगा, उसी पर आपको मेल करना है। और उस पर मैं बता ही चुका हूँ क्या क्या लिखना है, वही आपको नाम, सनाफ, आपका कोर्स और आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, चार चीज़ लिख के भेजना है। और फिर जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी स्क्रीनशॉट लिख के मानू को आपको अटैच करके भेज देना। उसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉब्लम मानू से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी कोर्स में आपका एडमिशन हो गया, अगर आप चाहते हैं किसी का सिलेबस आपका, अगर आप तो आपको अभी तक सिलेबस नहीं मिला है किसी भी कोर्स का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सिलेबस की वीडियोज़ बना दूंगा। आपका बी ए एम ए या फिर बी एड डीलेट जो भी आपने जिसमें एडमिशन लिया है, डिप्लोमा, एम आई टी, एम एल टी, तो आप उसका सिलेबस अगर आप चाहिए तो कमेंट करके मुझसे बताना, मैं उसका सिलेबस की वीडियोस बना दूंगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसके अलावा कोई इशू है तो ज़रूर बताना कि आपका क्या प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म में, आपका पेमेंट का इशू है या फिर डॉक्यूमेंट का इशू है या फिर कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आपकी कोई और भी एजुकेशनल से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की अगर आप नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और आप तक मेरा बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करना, ताकि हमारी कोई वीडियोस आने वाली आपसे मिस ना होने पाए। थैंक यू वेरी मच।